वेलकम बैक गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे एक नए ब्लॉग के लिए। तो गाइज, सुबह सुबह उठ गए थे हम जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि आपने भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो कि भारत वंदे भारत है उसमें यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। यात्रा में बने रहिए और हमारे ब्लॉग्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज, फाइनली आ गए हैं हम अपने वंदे भारत एक्सप्रेस में। देखिए अभी सीटें खाली पड़ी हैं, क्या थोड़ा जल्दी आ गए थे हम और अपनी सीट पे बैठ गए। तो बस थोड़ी देर में निकलेगी यहाँ से गाइज, सुबह सुबह का टाइम, और ये पहुँचेगी भोपाल 1:30 बजे। चलिए आपसे मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों, सुबह सुबह क्या है, हम आदमी पहुँच गए थे तो पूरे कोच में अकेले ही बैठे हुए थे। और ये इसका एग्जीक्यूटिव क्लास वाला जो था गाइज, उसमें बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा कि पहली बार मतलब इसमें भी थोड़ा सा एक बार बैठ के आनंद लिया जाए, कैसी होती है एग्जीक्यूटिव क्लास वाली इसकी चेयर्स और कैसे क्या सुविधा। तो ये चेयर्स क्या है, पूरी रोलिंग होती है गाइज, वो 360 पूरा घूम जाती है। सबसे अच्छा तो यही है कि पूरा घुमा लीजिए, आप फेस टू फेस बैठ सकते हैं, आप अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी जो फाइव वन पॉइंट दिख रहा गाइज इससे पूरा घूम जाता है और पूरा 360। तो बस हम लोग ये ट्रेन थोड़ी देर में चालू होने वाली है गाइज, 5:30 बजे ये रीवा से छूटेगी और भोपाल पहुँच गई थी एकदम करेक्ट राइट टाइम पे। चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आपको क्या क्या और मिलने वाला है। तो भाई सुबह के बज गए हैं अब 6:30 घंटे हो चुका है चले हुए ट्रेन को। तो सुबह सुबह थोड़ा सा भूल गया, आसमान साफ साफ दिखाई देने लगा और ये देखिए सनराइज़ हो रहा था गाइस, बहुत ही मस्त वाला सनराइज़। हमने कहा कि थोड़ा सनराइज भी कैप्चर किया जाए, क्योंकि मेरे को क्या सनराइज या सनसेट नेचर के जितने पॉइंट होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत इसलिए मैं कहीं भी ऐसा हो रहा था तो मैं कैप्चर जरूर कर लेता। और आपको गाइस हम लोगों का आने वाला था ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं आपको कि क्या क्या मैंने खाया और क्या क्या हम लोगों को सर्व हुआ। तो दोस्तों क्या है, सत्ता आने वाला है, तो सत्ता में हम लोगों को सभी को मिलेगा ब्रेकफास्ट और सनराइज़ भी हो गया है तब तक। तो मस्त वाला सनराइज़ के साथ एक मस्त वाला ब्रेकफास्ट करते हैं, दिखाते हैं वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में हम लोगों को नाश्ते में क्या क्या मिला। तो चलिए बने रहिए। तो ये देखिए भाई, हमारा नाश्ता आने वाला है सामने से और क्या क्या आया दिखाते हैं आपको। नाश्ता सर्व होने लगा था, बस मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ गाइस की मेरी बारी आएगी तो बस आने वाला है नाश्ता। तो गाइस इसकी क्या ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30% के राउंड रही होगी ऑक्यूपेंसी, बाकी चेयर तो खाली थी एग्जीक्यूटिव के लिए। बहुत ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा मतलब तो भाई ये आ गया है मैहर, 2800 का टिकट था गाइस माता रानी का दरबार फर्स्ट एसी से और स्टेशन पर जाता है ये आ गया भैया। देखिए सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट दही के साथ आया है उपमा के साथ आए हैं 2 केले और आया है पराठे और ये कुकीज़ भी आई है और ये था। तो अब नाश्ता किया जाए भाई, थोड़े से पेट पूजा हो जाए, आपको दिखाते रहेंगे। देखिए उपमा की क्वालिटी तो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई उनकी, मतलब उससे बेटर तो मतलब आप घर में ही बना लो ऐसा लगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने चावल लिया था, लेकिन उपमे की क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी गाइस। तो फिर हमने फटाफट लिया, खाया पराठे और उपमा और केले। तो अपना हो गया है पेट पूजा सुबह सुबह की अच्छी वाली और मस्त, अब थोड़ा सा नज़ारे लिए जाए, आनंद लिया जाए बाहर का भी। तो गाइस ट्रेन धीरे
धीरे आगे बढ़ते हुए कटनी की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम लोग। तो बस कटनी पहुँचेंगे, कटनी के बाद निकल चलेंगे जबलपुर। जबलपुर के बाद पहुँचेंगे हम लोग फाइनली इटारसी। इटारसी के बाद आएगा अपना भोपाल। तो थोड़ी से नाश्ते के बाद हम लोगों को फाइनली सर्व किया था सूप। सूप के बाद आया था हमारा लंच का, ये मैं काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे पसंद आया, बहुत बढ़िया जो मस्त वाला लंच था। और लंच इन्होंने इटारसी में दिया हम लोगों को, मतलब 12 बजे दे रहा हूँ। तो भाई प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेते हुए, क्योंकि पेट भरा हुआ है तो सब अच्छा अच्छा लगता है। चलिए हमारे साथ आप भी बने रहिए और इन्जॉय कीजिए प्रकृति। क्या मतलब ड्रीम में आप बैठे हो मस्त बड़ी सी विंडो और उनके सामने मस्त लगेगा, बहुत मज़ा ही आया। तो भाई चलिए प्रकृति का नज़ारा लेते लेते हम लोगों का हो गया है सूप का टाइम। तो आ गया है मस्त वाला टोमेटो वाला सूप। दो इन्होंने सूप का ऑप्शन दिए थे गाइस, लेकिन मैंने मतलब कि स्वीट कॉर्न वाला ले लिया और ये दो स्टिक्स और बटर। बस थोड़ा देर सबका आनंद लेंगे। और ये गाइस आ गई नर्मदा, जय हो नर्मदा माता की। यही नर्मदा माता आ गई है। अब थोड़ी देर में हम लोगों का नाश्ता वास्ता भी हो गया, सब कुछ पूजा हो गई बढ़िया वाली। तो अब हम चलेंगे लंच की तरफ। ये आ गया फाइनली वाकई बहुत बढ़िया क्वालिटी, इसकी बहुत परफेक्ट थी, मतलब बढ़िया दोनों से बहुत ही मस्त आई थी दाल। और भाई क्या मस्त पराठे दिए थे, ये क्या इटारसी में हम लोगों को मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी खाना खा के मन हो गया, जैसे लगा कि पैसे वसूल हो गए ट्रेन के। तो गाइस फाइनली हम लोग टाइम पे भोपाल पहुंचने वाले हैं, लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो चलिए अब ये जो वैली है ना गाइस, गाइस के बाद बढ़ती है ये वैली के सीन से, बहुत ही मस्त इंजॉय किया हमने पूरी जर्नी। और टाइम पे वंदे भारत ने हमें टाइम पे पहुँचा दिया। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फाइनली आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इम्प्रूवमेंट करना है तो बताइएगा गाइस। चलिए आज के ब्लॉग को करेंगे खत्म। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।